हरिओम, नमो नमः। आप सभी का बीएचयू पाठशाला में स्वागत है। मैं हूं अभिषेक तिवारी। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि आज से हम एक जो प्रश्न की श्रृंखला है, उस प्रश्न की श्रृंखला को लेकर के उपस्थित हुए हैं। और अत्यधिक भाषण न दे करके अपने कार्य क्षेत्र में हम लोग चलते हैं और प्रवृत्त होते हैं। ये जो प्रश्न हम लेकर के आ रहे हैं, ये प्रश्न आपको ये मान के चलिए कि एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आ सकते हैं। ये गत वर्ष में प्रश्न आए हैं और आगे भी इसी प्रकार से मिले जुले प्रश्न आ सकते हैं, और हो सकता है कि ये प्रश्न रिपीट भी हो जाए। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिए और भी अपने इष्ट मित्रों को बताते रहिए, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और संस्कृत के छात्रों का सहयोग कीजिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। जैसा कि प्रश्नोत्तरी आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस प्रश्नोत्तरी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है, ठीक है, एक नंबर जो क्वेश्चन है वो शुरुआत है। पहला क्वेश्चन प्रश्न है कि वेद अस्ति, माने वेद है, वेद क्या है, ठीक है, आप लोग बताइए कि वेद क्या है। श्रुति है कि स्मृति है, सदाचार है कि धर्म है, ठीक है, इन चार ऑप्शनों में वेद अस्ति कौन सा इसका आंसर सही होगा, यह प्रश्न आपको बताना है। तो भाई सही, जाहिर सी बात है कि आप सभी जानते हैं कि वेद को श्रुति कहते हैं। श्रुति इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कर्ण परंपरा से पहले प्राप्ति, पहले पहले क्या था कि लिखने वखने साधन नहीं था, तो इसीलिए इसको गुरु और शिष्य जो बैठते थे, गुरु के समीप में शिष्य बैठते थे और गुरु उन्हें कर्ण परंपरा से वो विद्या प्रदान करते थे और वेद को कंठस्थ कर लिया जाता था, माने सुन करके कंठस्थ कर लेते थे, तो उसी को श्रुति कहते हैं, ठीक है ना। तो वेद अस्ति, वेद क्या है, तो वेद को क्या बोलते हैं, वेद को श्रुति बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसका आंसर सही हुआ, ठीक है, ये इसका पहला आंसर है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा दूसरा प्रश्न है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें क्या है कि वेदानाम विभाजन कः कृतवान, ठीक है, माने वेदों का विभाजन किसने किया, ठीक है, ये प्रश्न है कि वेदों का विभाजन किसने किया। आप लोग बताइए, यास ने किया कि विश्वामित्र ने किया कि महीधर ने किया कि कृष्ण द्वैपायन व्यास ने किया, ठीक है। आप लोग को बताना है कि वेदानाम विभाजनम कः कृतवान, ठीक है, वेदों का विभाजन किसने किया, तो इसका उत्तर आप बताइए। इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर है कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास, ठीक है, वेद व्यास, वे महर्षि जो व्यास है, वेद व्यास, इनको कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है, ठीक, इनका एक अपर नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन क्यों कहा जाता है, तो कहते हैं कि ये इनका नाम जो कृष्ण है, कृष्ण मतलब ये हल्का काले थे, सांवले थे, ठीक है, सांवले थे, काले, इसलिए इनको कृष्ण कहा गया। और द्वैपायन क्यों कहा गया, तो द्वीप, ठीक है, द्वीप पे इनका जन्म हुआ जिसके कारण इनको द्वैपायन कहा गया, ठीक है। और व्यास जो थे, व्यास ही नाम था, लेकिन जब इन्होंने वेदों का विभाजन किया तो इसीलिए वेद व्यास कहलाया, ठीक है, वेद का विभाजन करने के कारण है वेद व्यास कहा गया, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा कि वेदानाम विभाजन कः कृतवान, तो कृष्ण द्वैपायन अर्थात वेद व्यास, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, तीसरा प्रश्न दिख रहा होगा, इस तीसरे प्रश्न में क्या है, आप लोग देखिए कि सांख्यी ही स्वविकृतानि तत्वानि कति सन्ति, ठीक है, अर्थात जो सांख्य है, सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन, सांख्य दर्शन के प्रणेता आचार्य कौन है, तो सबसे पहले आपको जानना चाहिए कि सांख्य जो सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन के प्रणेता आचार्य कौन है, ये सभी लोग जानते हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता आचार्य कौन है, तो महर्षि कपिल, ठीक है, कौन है, सांख्य दर्शन के जो प्रणेता आचार्य है वो महर्षि कपिल है, ठीक है, ये आप सभी लोग जानते हैं। अब पूछ रहा है कि सांख्य ही स्वीकृतान तत्वानि कति सन्ति, माने कितने तत्वों को स्वीकार करता है, पूछ रहे हैं कि सांख्य कितने तत्वों को स्वीकार करता है, तो आप बताइए, त्रयोदश तेरह, पंचदश पंद्रह, विंशत बीस कि पंचविंशत पच्चीस, सांख्य कितने तत्वों को स्वीकार करता है, एग्जाम में आपसे पूछ ले, तो आप बताइए इनमें से कौन सा उत्तर आपका सही है। इसमें से आपको बताना है कि सांख्य के द्वारा 25 तत्व स्वीकार किए गए हैं, ठीक है ना, तो इसका उत्तर होगा पंचविंशति, माने 25 तत्व, ठीक है। अब वो 25 तत्व कौन कौन से हैं, एक बार ये आप देख लीजिए, 25 तत्व में पहला आता है प्रकृति, ठीक है, देखिए पहला आता है इधर है प्रकृति और पुरुष, ठीक है, जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है उसके बाद से सृष्टि शुरू होता है, तो प्रकृति से सबसे पहले क्या आता है, महत्तत्व, ठीक है, ये मैंने आपको पढ़ाया है लेक्चर में, आप सभी लोग जानते होंगे महत्तत्व, जिसको बुद्धि तत्व भी कहते हैं, ठीक है ना।
अब महत्तत्व के बाद क्या आता है, महत्तत्व के बाद आता है अहंकार, ठीक है, इसके बाद अहंकार आता है, ठीक है। पहले जो 25 तत्व है सांख्य के, ठीक है, सांख्य का जो 25 तत्व है उस 25 तत्व को अभी हम लोग देखते हैं कैसे होता है। तो पहला तो प्रकृति और पुरुष हो गया, जब प्रकृति और पुरुष का संयोग हुआ तो महत्तत्व हुआ, जिसको बुद्धि तत्व कहते हैं। एग्जाम में पूछ लेता है कि महत्तत्व अर्थात बुद्धि से क्या निकला है, किसका आविर्भूत हुआ है, तो अहंकार का, ठीक है ना। अब अहंकार के बाद क्या है इसको हम लोग देखते हैं। पहले प्रकृति हुआ, फिर पुरुष, फिर प्रकृति से महत्व और बुद्धि हुआ, फिर बुद्धि से अहंकार हुआ। अब अहंकार से क्या निकलता है तो इसको हम लोग देखते हैं। अहंकार से निकला एकादश ज्ञान इंद्रियां, ठीक है, इसमें देखते हैं एकादश एकादश ज्ञान इंद्रियां, ठीक है ना। अहंकार से एकादश ज्ञान इंद्रियां निकली, जिसमें एकादश में ज्ञान इंद्रियां कौन कौन सी है, तो पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और एक मन, ठीक है। पांच ज्ञान इंद्री, पांच कर्म इंद्री और एक मन, ठीक है, ठीक है ना। एकादश जो ज्ञान इंद्रियां निकली, एकादश माने 11 इंद्रिय, तो 11 में पांच ज्ञान इंद्रियां हो गए, पांच कर्म इंद्रियां हो गए और एक मन हो गया, ठीक है ना। तो अब इसके बाद जो अहंकार उसे पंच तन्मात्रा निकली है, ठीक है ना, पंच तन्मात्रा और पंच महाभूत, ठीक है। तो इससे पंच तन्मात्रा निकली, क्या निकली, पंच तन्मात्रा, पंच तन्मात्रा, ठीक है ना, पंच तन्मात्रा। और इसी पंच तन्मात्रा से क्या निकला है, पंच महाभूत निकला है, ठीक है ना, पंच पंच महाभूत, ठीक है। ये हो गया, ये आपका 25 तत्व हुआ। गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4, चार ये हो गया, और फिर इधर देखिए ये हो गया 1 5 और 5 और 5 10, ठीक है ना। तो लगभग 20 ये हो गया, 20 और क्षमता 20 नहीं हुआ, देखिए एकादश ज्ञान इंद्रिया हो गई अर्थात 11 ये हो गया, पांच ये, पांच ये, तो पांच ये और पांच ये 10, 5 15 5 20, 1 21 22 23 24 और 25, इस प्रकार से ये 25 हो गए। 25 कौन कौन से, तो पंच महाभूत पांच ये हो गए, पंच तन्मात्रा पांच ये हो गए, 5 5 10, ठीक है, ये 10 हो गया, 10 इधर हो गया। और एकादश ज्ञान इंद्रियां है माने 11 ज्ञान इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय में कौन, तो पांच ज्ञान इंद्रियां, पांच कर्म इंद्रियां और एक मन, मन को उभय इंद्रिय कहते हैं। तो भैया 10 इधर हो गया और 10 ये, 20 और जो एक ये है माने 21, 21 नीचे हो गया, इधर ये 22, ये 23, ये 24 और ये 25, यही 25 तत्व है। अब पंच तन्मात्रा में क्या क्या आता है, तो पंच तन्मात्रा में शब्द स्पर्श रूप रस गंध आते हैं, और पंच महाभूत में आता है आकाश वायु जल तेज और पृथ्वी, इस प्रकार से ये इसमें आते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये हमारा प्रश्न क्या था, हाँ तो प्रश्न था कि सांख्य ही सर्वगतान तत्वानि कथयन्ति, माने सांख्य में कितने तत्व को स्वीकार करते हैं, तो इसका सही उत्तर है 25, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे है चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या है, किरातार्जुनीय किरात इति कस्य बोधकः, माने किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है, किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है ये किसका, किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है, पहले तो ये जान लिए। और किरातार्जुनीयम में किरात जो है, किरात किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो आप सभी जानते हैं किरातार्जुनीयम भारवी की रचना है, ठीक है ना, किसकी रचना है, भारवी की। और ये जो ग्रंथ है ये वन पर्व से है, महाभारत के वन पर्व से संबंधित है। इसमें आप सभी जानते हैं घटना है होती है कि पांडवों को वहां पर वनवास दे दिया जाता है जंगल में रहने के लिए, ठीक है ना, अज्ञातवास में, तो वहां पर सारे लोग रहते हैं और वहीं पर अर्जुन भगवान शिव की उपासना करता है, और पाशुपतास्त्र पाने के लिए उसी उपासना में भगवान शिव प्रसन्न होते हैं अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए, किरात बन करके आते हैं, ठीक है ना, एक कहानी आप सभी को पता होगी। तो वही किरात वेश धारण करके आते हैं, कौन आता है, तो वनेचर आता है, कि किरीट धारिणा ये आते हैं, कि शंकर से भगवान शिव आते हैं, कि कार्तिकेय आते हैं, ठीक है ना। आपको बताना है कि किरात इति कस्य बोधकः, माने किरातार्जुनीयम में किरात किसके लिए प्रयोग हुआ है, तो इसका सही उत्तर है
भगवान शिव, ठीक है, इसका सही उत्तर है शंकर। ठीक है, भगवान शिव के लिए किरात शब्द प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, सभी जानते हैं किराता अर्जुनम भारवी की रचना है, ठीक है, और इसमें कितने सर्ग हैं ये भी आप सभी लोग देखिए एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे है पांचवा प्रश्न है कि ऋग्वेद से प्रथम मंडल से प्रथम सूक्ते कह स्तूयते, ठीक है, ऋग्वेद के प्रथम मंडल में प्रथम सूक्त में किसकी स्तुति की गई है, माने किसको याद किया गया, किसकी स्तुति की गई है, तो आपको बताना है अग्नि की स्तुति की गई है, यम की स्तुति की गई है, इंद्र की गई है कि विष्णु की गई है, ये भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, और बहुत ही आसान सा सवाल है, और मैंने ये बहुत बार आपको बहुत ही बढ़िया से मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया है, जो पेड क्लासेस चलती है उसमें मैंने पढ़ाया है, आपसे लोग देख सकते हैं भैया। ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद, सबसे प्राचीन वेद है, और ऋग्वेद का ऋग्वेद कितने मंडल है, तो भैया ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है ना, ऋग्वेद में 10 मंडल है, ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, और 10 मंडल में जो पहला मंडल है, ठीक है ना, पहले मंडल का जो पहला सूक्त है वो क्या है, अग्नि सूक्त है, ठीक है ना, माने 1.1 ऐसे लिखा होगा, तो आप समझ जाइए कि ऋग्वेद के जो पहला मंडल है उसका ये पहला सूक्त है, ठीक है, वो पहला सूक्त क्या है, तो पहला सूक्त है अग्नि, ठीक है, पहला सूक्त है अग्नि। अब भैया अग्नि सूक्त है तो एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि इस अग्नि सूक्त जो है उस अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है, ठीक है, और इसके देवता कौन है, ठीक है, ऋषि कौन है, देवता, तो अग्नि सूक्त के जो ऋषि है वो मधुच्छंदा है, ठीक है, कौन है, मधुच्छंदा इसके ऋषि है, और देवता पूछे तो भैया जब अग्नि देवता की स्तुति की जा रही है तो जाहिर सी बात है कि देवता अग्नि होंगे, ठीक है, इसके देवता जो है वो अग्नि है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ ले कि अग्नि सूक्त के ऋषि कौन है तो आप बताएंगे मधुच्छंदा है, और देवता कौन है अग्नि सूक्त के, तो अग्नि है, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ऋग्वेद से प्रथम मंडल से प्रथम सूक्त कह स्तूयते, माने ऋग्वेद के प्रथम मंडल के प्रथम सूक्त में किसकी स्तुति की जा रही है, तो भैया ऋग्वेद का प्रथम मंडल अग्नि है तो अग्नि की ही करी जाएगी ना, कि यमराज की जाएगी, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, अग्नि, ठीक है ना, ये आप जानिए। हाँ एक प्रश्न ये भी आपसे पूछ सकता है कि अग्नि के कितने सूक्त हैं, ठीक है ना, तो अग्नि के 200 सूक्त हैं, ऋग्वेद में 200 सूक्त हैं अग्नि के, ठीक है ना। हाँ एक क्वेश्चन और ये पूछ सकता है कि ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता के हैं, तो ये आप ध्यान रखिए 250 सूक्त हैं, ठीक है, किसके 250 सूक्त, ये हमने पढ़ाया है, और ये सब आप कमेंट में बताइएगा कि ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता के हैं, मैंने इतना बता दिया कि 250 सूक्त हैं, सबसे अधिक 250 सूक्त हैं वो किस देवता के हैं, इसको आप सिर्फ कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर अग्नि हुआ। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा और देख सकते हैं कि जो अग्नि सूक्त है वो तो मैंने बताया कि अग्नि सूक्त प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, उसके बाद में आप इंद्र सूक्त देख सकते हैं, ठीक है, तो जो इंद्र सूक्त है, इंद्र सूक्त दूसरे मंडल का बारहवां है, ठीक है, इंद्र सूक्त जो है दूसरे मंडल का बारहवां सूक्त, ठीक क्या है, ये इंद्र सूक्त है, ठीक है ना, इंद्र, इंद्र सूक्त जो है, इंद्र सूक्त ऋग्वेद के दूसरे मंडल का बारहवां सूक्त है, और इसके ऋषि कौन है, तो अगर पूछ ले तो इसके ऋषि महर्षि गृत्समद, ठीक है, गृत्समद इसके ऋषि है, इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है, गृत्समद लिख देते हैं इधर, आप लोग देख लीजिएगा, यह है गृत्समद, ठीक है ना। चलिए बाकी विष्णु हो गए, विष्णु सूक्त के बारे में आप सभी जानते हैं कि इसके ऋषि कौन है, तो महर्षि दीर्घतमा है, ठीक है ना, इसके ऋषि विष्णु सूक्त के जो ऋषि हैं वो दीर्घतमा है, देवता इसके पूछे तो विष्णु है, इंद्र के ऋषि कौन है, तो क्षमता इंद्र सूक्त के ऋषि कौन है, तो इसके ऋषि गृत्समद है, देवता पूछे इंद्र सूक्त का तो इंद्र ही देवता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इतना हमने देखा, आप सभी उसको देख लीजिएगा, ठीक है, इसको बताइएगा कि ऋग्वेद में सबसे अधिक सूक्त किस देवता के हैं और वो कितने हैं, ठीक है, तो 250 सूक्त है सबसे अधिक, वो किस देवता के हैं, इसको आपको कमेंट में बताना है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे हम लोग का छठा प्रश्न आपके सामने आया है, छठे प्रश्न में आप देख रहे हैं कि शांत रसस्य स्थायी भाव कह अस्ति, माने शांत रस का स्थायी भाव क्या है, ठीक है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको आपसे बताइए कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है, क्यों,
शांत रस का स्थायी भाव सुख है, यही सही है उत्तर। क्यों सही है ना, लुल हो जाओगे इसे लगाओगे तो सुख नहीं है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुख इसका उत्तर नहीं है। शांत रस जो है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है तो आपको बताना है भैया, शांत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, ठीक है। इसमें से आप देखिए, शांत रस, ठीक है, ये भय, भय से भयानक होता है, ठीक है, उत्साह से ये वीर हो गया, ठीक है, निर्वेद ये हो गया शांत रस का, और ये हो गया करुण रस, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है, निर्वेद जो है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है तो भैया इसका सही उत्तर होता है निर्वेद, ठीक है। और जो भय है, इसे भय से भयानक क्या लिखा है, भयम, ये तो भय नहीं है, भयानक है, ठीक है, भयानक है, भय का भयानक है। और उत्साह, ठीक है, उत्साह नामक स्थायी भाव किसका होता है तो वीर रस का होता है। और भय जो भयानक रस है, भयानक रस का स्थायी भाव भय है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं इसको एक क्लियर से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हुआ, निर्वेद, ठीक है, शांत रस का स्थायी भाव है, ठीक है, ये इसका उत्तर सही होता है। एग्जाम में कुछ इस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं कि भैया मान लीजिए करुण रस लिखा है, ठीक है, करुण रस, तो करुण रस के देवता कौन है, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, करुण रस के देवता कौन है, और करुण रस का वर्ण क्या है, ठीक है, ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को यदि एग्जाम में पूछे, ये हमने आपको वीडियो में बहुत बढ़िया से बताया है, लेकिन फिर भी एक बार इसको आप सभी देख लेते हैं, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर इसको आप सभी देख लीजिए, इधर है रस, ठीक है, रस हो जाएगा, और इधर हो जाएगा वर्ण, इधर हो जाएगा देवता, ठीक है ना, ठीक है। तो सबसे पहले श्रृंगार, श्रृंगार रस, श्रृंगार, श्रृंगार रस हो गया, श्रृंगार रस के देवता है, श्रृंगार रस के जो देवता है वो है विष्णु, कौन है भैया, विष्णु है। और इसका जो वर्ण है वो क्या है, श्याम वर्ण है, ठीक है, इसका वर्ण श्याम है। फिर आता है वीर रस, श्रृंगार, वीर, वीर हो गया, विभत्स हो गया, हाँ विभत्स, ठीक है, क्या हुआ, विभत्स हो गया, रौद्र हो गया, रौद्र, रौद्र हो गया, हास्य हो गया, ये हास्य रस हो गया, उसके बाद अद्भुत रस हो गया, ठीक है, हास्य के बाद अद्भुत हो गया, फिर यहीं पर आता है भयानक हो गया, ठीक, क्या हुआ, भयानक हो गया, और फिर यही करुण हो गया, ठीक है, ये आपका करुण रस हो गया। अब देखते हैं श्रृंगार के श्याम हो गए, ठीक है ना, ऐसे बना लीजिएगा कॉपी में, ठीक है, एक तरफ लिखिएगा रस, एक तरफ वर्ण, एक तरफ देवता। तो श्रृंगार रस के देवता कौन है, विष्णु देवता है। इसका रंग क्या है तो भैया इसका वर्ण श्याम वर्ण है, ठीक है ना। फिर आगे आता है वीर रस, वीर रस जो है इसके वर्ण है सुवर्णवत, ठीक है, सुवर्णवत, सुवर्णवत, ठीक है, इसका वर्ण हो गया, देवता इसे कौन है, महेंद्र, ठीक है, इसके महेंद्र देवता है, एग्जाम में पूछ लेगा इसे। फिर विभत्स के कौन है, नील, ठीक है, नील, इसका नील वर्ण हो गया, इसके महाकाल देवता है, ठीक है, इसके महाकाल देवता है। रौद्र, रौद्र इसके वर्ण है रक्त, और इसके देवता कौन है, रुद्र है, ठीक है। भैया आप ट्रिक जानिएगा कि जो रौद्र है, रा से रौद्र, रा से रक्त, और रा से रुद्र, ठीक है ना। तो रौद्र रस जो है उसका वर्ण क्या है, रौद्र रस का क्या है वर्ण लिखा है, ठीक है, और इधर रुद्र है, ये रक्त है, क्षमता, इधर रक्त है, ठीक है, रौद्र। अब हास्य रस आया, तो हास्य रस कौन है, शुक्ल वर्ण है, इसके देवता कौन है, तो प्रमथ देवता है, प्रमथ, प्रमथ देवता है। अद्भुत, अद्भुत के कौन है, पीत वर्ण है, ठीक है, पीत वर्ण और ब्रह्मा, ये आप लोग लिख लीजिए, भयानक के कृष्ण, भयानक कृष्ण वर्ण, और देवता इसके भी महाकाल है, महाकाल हो गया, और करुण का कपोत हो गया, कपोत वर्ण है, ठीक है, देवता कौन है, यम है,
ठीक है, चलिए इसको आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, इसको याद कर लीजिए, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए इसका जो पूछा कि शांत रस का स्थायी भाव क्या है, तो इसका सही उत्तर है निर्वेद। एग्जाम में रस से संबंधित और भी प्रश्न पूछ सकते हैं, वो प्रश्न क्या है पूछा भी है, पिछली बार जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि भैया श्रृंगार रस का वर्ण क्या है, तो श्याम वर्ण है, देवता विष्णु। हाँ, ध्यान देना है कि इस समय जो एग्जाम का क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो कथन काल है। मान लीजिए कि भैया कथन ए और कथन बी, ठीक है, दिया है। पहले कथन में दे देगा कि वीर रस का जो वर्ण है, वीर रस का जो रंग है वो सुवर्णवत है, इसमें लिख देगा, ठीक है, वीर रस का वर्ण सुवर्णवत है। और फिर लिख देगा कि हास्य रस के देवता प्रमथ को ना लिख करके ब्रह्मा लिख दे, ठीक है, हास्य रस का जो देवता है वो प्रमथ देवता है, लेकिन प्रमथ ना लिख करके लिख दे ब्रह्मा देवता, इसमें बी वाले में, ठीक है। तो अब आप लोग कंफ्यूजिया जाएंगे, तो इसीलिए कंफ्यूजन नहीं होना है, आप लोग बढ़िया से अगर पढ़े रहेंगे, ठीक है ना, तो कथन कारण में कितना भी आपको घुमाएं, आप यदि आपका शुरू से लेवल क्या बोलते हैं मूल यदि मजबूत है तो उस पर बिल्डिंग खड़ा कीजिए, चाहे इतने कथन कारण पूछे, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, कॉपी में एक तरफ बना लीजिएगा और बढ़िया से इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, अभी तो छठा प्रश्न हुआ है, आगे हम लोग सातवें प्रश्न पे चलते हैं। सातवां प्रश्न क्या है, देखिए सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि संदेश काव्य प्रस्थानम केन समारब्धम, माने संदेश काव्य, ठीक है, संदेश काव्य किसने शुरुआत किया, ये पूछ रहा है कि संदेश काव्य किसने शुरुआत किया, इसको आप सभी को बताना है कि संदेश काव्य की शुरुआत किसने की, ठीक है। तो आप सभी देखिए कि संदेश काव्य, हाँ संदेश काव्य, यदि इसमें महर्षि वाल्मीकि होते ऑप्शन में तो सबसे पहले आप सभी को महर्षि वाल्मीकि लगाना होता, ठीक है ना। अश्वघोष है कि कालिदास है कि कुंतक है कि वामन है, ठीक है, इसमें से चारों ऑप्शन में से ये कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए संदेश काव्य लिखा है, माने संदेश काव्य माने किसी के द्वारा संदेश को भिजवाना, ठीक है। तो आप सभी जानते हैं कि संस्कृत साहित्य का आदि काव्य जो है वो क्या है, रामायण है, ठीक है, आदि काव्य जो है संस्कृत साहित्य का वो क्या है, रामायण है, ठीक है, आदि काव्य है रामायण, ठीक है। और इसी रामायण में ही आप सभी जानते हैं कि हनुमान जी महाराज सीता जी की खोज करने के लिए सिंधु को माने समुद्र को पार करके लंका गए थे और राम जी का संदेश ले गए थे और सीता जी का संदेश लेके आए थे। तो शुरुआत तो यहीं से हुई है, ठीक है, शुरुआत तो यहीं से हुई है, लेकिन अब इसमें ऑप्शन है नहीं तो किसका उत्तर लगाएंगे। तो आप सभी को ध्यान होगा कि कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा है, कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा है क्या है, मेघदूतम, ठीक है, मेघदूत, मेघ, कालिदास ने एक ग्रंथ लिखा है मेघदूतम, ठीक है। इसी मेघदूतम नाम से स्पष्ट हो रहा है कि मेघ माने बादल को दूत बनाकर भेजा है, कहां पर, कालिदास ने कहां पर भेजा है, तो जो यक्ष है और यक्षिणी, यक्षिणी के पास माने अलकापुरी में भेजता है यक्ष, यक्ष और यक्षिणी कथा आप सभी इसका मेघदूत पढ़े होंगे। और मेघदूत में होता क्या है कि यक्ष और यक्षिणी होते हैं, नायक नायिका होते हैं, और कुबेर जो होते हैं, कुबेर के यहाँ काम करता है यक्ष, और संयोग से किसी नई नई नया नया किसी का भी विवाह हो भैया, जब नवा नवा विवाह होता है तो जाहिर सी बात सभी अपने अपने मेहराब के लेके रहा था, तो वो भी यक्ष भी इसी तरीके से था, और नवा नवा विवाह भा रहा तो अपने मेहराबू से हंसत बोलत रहा, बतियात रहा, एक दिन बेचारा कुबेर का सामान ना लाए पाए, फूल पाती ना पहुंचा पाए, कुबेर से आई स्वामी नाराज हो गए, तो उसके बाद कुबेर ने उसको श्राप दे दिया कि एक वर्ष तक तुम इससे अलग रहोगे। तो वही है, अब जब यक्ष ने मेघ को देखा तो उस मेघ को दूत बना करके यक्षिणी के पास भेजा, वही है, ठीक है। तो इसने इसमें भी संदेश भेजा गया है, इसीलिए संदेश काल प्रस्थानम केन समारब्धम, तो कालिदास है, ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, कालिदास, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कौन सा प्रश्न था इसमें, सात, और ये आठ नंबर प्रश्न, ठीक है, इसमें मिस्टेक है, थोड़ा सा लिख नहीं गया है, त्रुटि हो गई थी, कोई बात नहीं। नाट के अर्थ प्रकृतिया कति भवन्ति, नाटक में कितनी अर्थ प्रकृतियां होती है, इसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है, ये आप सभी को बताना है कि नाटक में कितनी अर्थ प्रकृतियां होती है, सात होती है कि पांच होती है, दस होती है कि तीन होती है, नाटक में कितनी अर्थ प्रकृतियां होती है। आप सभी जानते हैं कि नाटक में
पांच अर्थ प्रकृतियां होती हैं, ठीक है, इसका उत्तर क्या है, पंच। नाटक में पांच अर्थ प्रकृतियां होती हैं, बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य, ठीक है, ये पांच अर्थ प्रकृतियां होती हैं। इधर लिख देते हैं, यदि आप सभी नहीं जानते हैं इसको आप एक बार देख लीजिएगा, बीज, बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य, ठीक है ना, ये आपके पांच अर्थ प्रकृतियां हैं, ठीक है, इसमें से भी प्रश्न पूछ सकता है। और ये क्रम से, इसको आपको क्रम से ही याद करना है, ऐसा नहीं कि पहले कार्य लिख दीजिए फिर बिंदु लिख दीजिए फिर प्रकृति लिख दीजिए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है, क्रम से याद कीजिए। एग्जाम में कभी कभी सेट करने के लिए आता है कि इसको क्रम से लगाइए, तो भैया याद रहेगा तब लगा पाएंगे, ठीक है, और नहीं तो चिंटू को पिंटू और पिंटू को मिंटू कर देंगे, इसलिए ध्यान से, ठीक है। तो हम लोग आठवें प्रश्न की चर्चा कर रहे थे कि नाटक में कितनी अर्थ प्रकृतियां हैं, तो इसका सही उत्तर होगा पांच, ठीक है, वो पांच कौन कौन सी हैं, बीज बिंदु पताका प्रकृति और कार्य। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नवें प्रश्न पे, ठीक है, नवें प्रश्न पे, कस्मिन संति त्रयो गुणाः, माने किसमें तीनों गुण है, मेघदूतम में है, रघुवंशम में है, नैषधीय चरित में है, कि शिशुपाल वधम में है, ठीक है, आपको बताना है। ये प्रश्न बहुत ही आसान है, इस प्रश्न को आप सभी जानिए, आप सभी सुने होंगे कि कहा है कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः, ठीक है, तो कस्मिन संति त्रयो गुणाः, तो माघे माने माघ में, ठीक है, माघ के अंदर तीनों गुण है, ठीक है, उपमा भी है, उपमा कालिदासस्य उपमा भी है, अर्थ गौरव भी है, ठीक है, उपमा भी है और अर्थ गौरव भी है, पदलालित्य भी है, ठीक है, पदलालित्य भी, ये तीनों गुण किसमें है, तो ये तीनों गुण भैया माघ में है, ठीक है। कहते हैं कि उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम और माघे संति त्रयो गुणाः, ठीक है, तो माघ में तीनों गुण है। अब आपको देखना है कि इसमें से माघ की रचना कौन सी है, ठीक है ना, माघ की रचना, तो भैया मेघदूत माघ की रचना है, बताइए, नहीं ना, मेघदूत किसकी रचना है, तो आप सभी जानते हैं कालिदास की रचना है मेघदूत, ठीक है, रघुवंशम किसकी रचना है, तो भैया रघुवंशम भी कालिदास की रचना है, नैषध किसकी रचना है, तो आप सभी जानते हैं श्रीहर्ष की, शिशुपाल वधम किसकी रचना है, ये उत्तर सही हुआ, ठीक है। तो इसमें से यदि हम इसका प्रश्न का सही उत्तर नहीं जानते हैं तो काटना शुरू कीजिए। अब काटना कैसे शुरू कर सकते हैं, तो ये देखिए काटेंगे कैसे, तो भैया देखिए, क्या माघ की मेघदूतम है, नहीं है, रघुवंशम है, नहीं है, नैषध है, नहीं है, अब बचा क्या, शिशुपाल वधम, ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होता है, सही उत्तर होता है शिशुपाल वधम, ठीक है, तो माघ, माघ का ग्रंथ है शिशुपाल वधम, शिशुपाल वध में ही ये तीनों गुण हैं, कौन कौन तीनों गुण, तो उपमा, अर्थ गौरवता और पदलालित, ठीक है, ये तीनों गुण है। अच्छा, अब ये देखना है कि मेघदूत में कितने अंक है, रघुवंशम में कितने अंक है, नैषध में कितने अंक है, इसमें कितने अंक है, तो आप सभी जानते हैं कि जो मेघदूत है, मेघदूत में दो भाग है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, रघुवंशम में आपका 19 सर्ग है, नैषध में आपका 22 सर्ग है और शिशुपाल वधम में आपका 20 सर्ग है, ठीक है, कितना है, 20 सर्ग, ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में हो सकता है पूछ भी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दसवां प्रश्न है कि हितम मनोहार च दुर्लभम वचः इत्यस्ति, ठीक है, ये कहा, ये जो पंक्ति आई है ये पंक्ति कहाँ की है, ये इसमें से पूछ रहा है, तो भैया शिशुपाल वधम की पंक्ति है, नैषध की पंक्ति है, रघुवंश की पंक्ति है कि किराता अर्जुनियम की पंक्ति है, ठीक है, रघुवंशम, ठीक है, रघुवंशम की पंक्ति है, शिशुपाल वधम की, नैषध की, आप बताइए इसमें से कौन सा इसका उत्तर। चलिए हम लोग का समय समाप्त होता है, फिर भी अभी हम लोग दसवें प्रश्न पे हैं और भाई दूसरे भी सर हैं, तो उनके समय का हम लोग अतिक्रमण ना कर लें, इसलिए आज तक की क्लास हम लोग यहीं पे स्थगित कर सकते कर देते हैं, लेकिन लास्ट प्रश्न हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो अंतिम प्रश्न है, ये प्रश्न क्या है कि हितम मनोहार च दुर्लभम वचः, ये उक्ति कहां से है, तो कहते हैं कि हितम माने हितकर और मनोहर, हित ऐसी ऐसी जो उक्ति हो, ऐसी वाणी हो, ऐसा वचन हो जो हमारे लिए हितकर हो और मनोहर भी हो, ठीक है, माने मन को अच्छा भी लगे, वह दुर्लभ है, ऐसी वाणी जो हमको हमारे लिए हितकर हो और मन को अच्छी भी लगे, ऐसी वाणियां दुर्लभ है, ये उक्ति कहां से आई है आपको बताना है,
तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ठीक है, गलत है, ये नहीं होगा। अच्छा ये होगा ना, नहीं सर ये सही है, ये उत्तर सही है। क्यों सही है ना, ये भी नहीं है। अच्छा रघुवंशी, ये रघुवंशम लिखा है, ये मिस्टेक हो गया है। ठीक है, इसको ये रघुवंशम यहां लिख देते हैं, ये रघुवंशम लिखा है। ठीक है ना, तो रघुवंशम में नहीं, रघुवंशम में भी नहीं है। ठीक है, सही उत्तर क्या है? किराता अर्जुनियम। ठीक है, ये इस प्रश्न का हितम मनोहार च दुर्लभम वचः, ये वनेचर आकर के कहता है कि महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि हितम मनोहार च दुर्लभम वचः, माने हितकर और मनोहर जो वाणी है वो समाज में संसार में बड़ी ही दुर्लभ है, इसलिए ये किराता अर्जुनियम। जब महाराज युधिष्ठिर द्वैत वन में, ठीक है, एग्जाम में पूछ ले कि किराता अर्जुनियम जो ग्रंथ है उसमें युधिष्ठिर या पांडव किस वन में निवास करते थे, तो भैया द्वैत वन। ठीक है, द्वैत वन में निवास करते थे, किस वन में? द्वैत वन में। ठीक है, चलिए इसका सही उत्तर क्या हुआ? सही उत्तर है किराता अर्जुनियम। ठीक है, इसका सही उत्तर है किराता अर्जुनियम। अब हम लोग अपनी कक्षा को यहीं पर स्थगित करते हैं, क्योंकि दूसरे भी सर लाइन में लगे हुए हैं, तो उनकी सीमा का अतिक्रमण ना हो, इसलिए हम लोग फिर मिलते हैं। हरिओम, नमो नमः।